1, 2, 3, up. Oh, हल्का है सर, बहुत. Go. Yes. जाइए सर, आप करिए, मैं कर लूंगा. लगे रहिए दीवान जी. 12 रेपिटेशन लगानी है, ओके? सर, अमरचंद सर, दीदी आ गई सर. सर, सर, अमरचंद बचाइए, मैं मर रहा हूँ. अमरचंद दीवान जी, अरे दीवान जी, मना किया था कि लाइट वेट उठाइए. अरे सर, कितनी बार आपको आवाज दी पर आप सुने तब ना. यहाँ तक कि कहा सर दीदी आई, सर दीदी आई, आपने वो भी नहीं सुना. अरे दीवान जी, क्यों बार बार दीदी का नाम लेके हमें डराते हैं, हा? एक तो थाना हमारा हुआ नहीं, ऊपर से दीदी पता नहीं कब टपक जाएंगी. क्या करें दीवान जी, मैंने झूठ बोला था उनसे कि ये थाना भी सिर्फ मेरा है, लेकिन उनको मेरे झूठ के बारे में पता चल गया तो पापा दीदी छोटी मिलके तीनों मुझे जिंदा गाड़ देंगे. समझो लग गई लंका. दीवान जी करिए कुछ, सोचिए सोचिए क्या किया जाए. आइडिया दीवान जी, अब क्या सूत्र है सर आपको? देखिए दीवान जी, हम सोच रहे हैं ना, करिश्मा सिंह और उनकी टीम को सब सच सच बता देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि जब तक दीदी आए ना, तब हमारी इस झूठ को झूठी रहने दे, हमें इस थाने का सच्चो समझे, हमारी थोड़ी तारीफ कर दें, हीरो बना दें उनकी नजरों में हमें. बढ़िया रही सर तारीफ. वो लोग सर भूल जाइए, दुश्मन है, आपकी तारीफ कभी नहीं करेंगे सर. दीवान जी फिर नेगेटिविटी, कितने नेगेटिव हो गए आप, पता है आपको? पर हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, हमें लगता है कि वो हमारी बात मान जाएंगे. नहीं लगता ना सर. ठीक है, लग गई सर. अगर मेरी बात सही निकली ना सर, तो आपकी एक महीने की सैलरी मेरी. और अगर मैं सही निकला तो मेरी एक महीने की सैलरी आपकी. तो सोच लीजिए आपकी एक महीने की सैलरी गई. बहुत याद आएगी तुम सबकी. इस पुलिस थाने में न जाने कितनी यादें बसी हैं. वो कुर्सी जिस पर बैठकर हमने कितनी गॉसिपी की है, मेहनत की है, यही तो हमारे लिए सब कुछ था. हमारे लिए घर था, हमारा मंदिर था, सब कुछ. एक मिनट पुष्पा जी, आप कब से था थी धूं क्यों कर रही है? अरे अब सब कुछ था ही तो होने वाला है ना संतु. पुष्पा जी, कौन सी खतरनाक बीमारी आपको लग गई है, हमें बताइए. ओहो, हमें कोई बीमारी नहीं हुई है. अरे जब अमर सर को पता चलेगा कि उनकी बहन का मेडल हमने चुरा के हमसे खो गया है, तो हम हमारी नौकरी या ना खोने वाले हैं. बहुत जल्द हमारे थाने से बाहर होने वाले हैं. हमने तो हमारा सारा सामान पैक करके भी रख दिया. क्या? हाँ, हड़बड़ी में बाद में कुछ छूट ना जाए. पुष्पा जी, आप कहाँ इतना नकारात्मक हो रही है? आप संतु जी, आप ना सच में बहुत ज्यादा डरपोक है. आपका कलेजा एकदम इतना छोटा सा, एकदम बिल्ली के जैसा. नहीं नहीं एकदम चूहे के जरा. देख जब मुंह खोला भाग से गटर बाहर फेंक दिया. हट ना यार, साइड बैठिए. आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं भाई? करिश्मा मैडम है ना, वो सब कुछ मैनेज कर देंगी. ये टेम्पो वाला जिस पर हम लोग को संदेह है मेडल चुराने का, जैसे ही वो गिरफ्त में आया, वो मेडल को उठाकर हम लोग ठीक वहीं पे रख देंगे जहाँ से उठाए थे. समझ रही हैं आप? टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है. मगर तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो. चूते पलक को फोन करो और उसको बोलो उसने अपने पति के बारे में जो धारणाएं बनाई हैं वो सब गलत है. वो सुधर गया है, कोई चोरी चकारी नहीं कर रहा है वो. ठीक है, उसको बोलो कि समझदारी से जो है वो इस मामले को निपटे. हाँ जी, वो नंबर वाला तुम्हें काम दिया था वो हुआ? मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है. कोशिश की रफ्तार बढ़ाओ, हमें नतीजा चाहिए संतू, समझ रहे हो है ना? हाँ, यहाँ बैठ के क्या टाइम पास चल रहा है? इनको तो कोई काम है नहीं क्या? हमको भी काम नहीं है क्या? हाँ, और ये अंदर बैग किसका पड़ा है इतना बड़ा सा? पुष्पा जी का. इतना बड़ा बैग? क्या मतलब पूरा थाना समेट के जाने वाली है क्या आप यहाँ से? जाना ही पड़ेगा ना मैडम, जब अमर सर को पता चलेगा कि उनके केबिन से हमने उनकी दीदी का मेडल चुराया और वो भी हमसे किसी और ने चुरा लिया, हमारा थाना हमारे हाथ से निकल जाएगा. बहुत बढ़िया, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि मुसीबत जब हमारे सामने आए तो उसका सामना करने की जगह हम यहाँ से भाग जाएंगे कि जहाज डूबाने की चूहे लगे भागने. देखा भाई साहब, हमने पहले ही बोला चूहे जैसा कलेजा है, लेकिन इन्होंने डांट दिया हमको. देखिए अमर,
करो ना, चुप करो ना। इससे पहले मैडम अपना बोहनी कर ले निकल जैसे। प्लीज जाओ। इंटॉलरेंस। तो क्या करे, आपने दूसरा कोई उपाय छोड़ा है हमारे सामने? हमने तो, और नहीं तो किसने? मैडम सर की अनुपस्थिति में आप ही हमारी लीडर थी। अगर संतु ने बिना सिंगाड़े खाए कोई वाया था, बकवास सा, बेलगाम सा, बेतुका सा, मूर्खता से भरा ऐसा वैसा कोई अगर सुझाव दे दिया, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप हमें चोरी चकारी के रास्ते पर जाने से रोके? मैडम सर अगर होती तो क्या हमें इस जंजाल में फंसने देती? हाँ, ऐसा सब कुछ करने देती? डाल दीजिए सारा ठीकरा हमारे सर के ऊपर डाल दीजिए। नेकी कर दरिया में डाल, नहीं नेकी कर आ बैल मुझे मार। अरे ये टाइम आपका पर्सनल भड़ास निकालने का नहीं है पुष्पा जी, ये टाइम हम सबको इस बारे में सोचना है कि हम इस कंटे से कैसे बाहर आए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी। लग गई। क्या हुआ? अम्मा सर ने बुलाया सबको केबिन में। आगे सर। जी सर। पुलिस ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है, और जिस पर हम भी बहुत बिलीव करते हैं, कि सच जो होता है उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करो वो छुप कर नहीं रह सकता। इसलिए हम आप सबको ये बताना चाहते हैं, एक्चुअली बात ये है कि मेरी जो दीदी है योगिता दी, वो एक बार फिर से इस थाने में आने वाली है। पिछली बार आई थी तो मेरे लिए उनका नजरों में इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा था। वो क्या था कि दो दो SHO एक ही थाने में और इतनी सारी औरतों में जगह बनाता बेचारा एक अकेला मर्द, तो मेरी फैमिली के सामने मेरी इज्जत एकदम वो क्या कहते हैं करिश्मा सिंह के अंदाज में, इज्जत की मैया की सासू मैया हो गई थी। बात यह है कि अब मैंने इसी दौरान अपनी दीदी से एक छोटा सा झूठ बोल दिया था कि मैं ये कॉम्पिटिशन जीत चुका हूँ और ये थाना मेरा हो चुका है, इकलौता मैं ही SHO हूँ इस थाने का। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, कि इस झूठ को ना आप सच के तौर पर पेश करें उनके सामने। जब वो आएंगी तो यही दिखाएं उनको कि सच में मैं ही SHO हूँ इस थाने का, और आप लोग मेरे अंडर काम करते हैं और आप लोग बहुत खुश हैं मेरे काम से, बहुत इंप्रेस्ड हैं। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी। हसीना मलिक भी यहाँ नहीं है ना, तो आप लोगों के लिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा ये झूठ बोलना। बताइए ना कि करेंगे आप लोग मेरी मदद? करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैटर सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक पुष्पा जी। हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, हम भी ऐसे ही आ रहे थे। हाँ करेंगे ना, जरूर मदद करेंगे आपकी, आखिर एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है। मदद करेंगे, जरूर मदद करेंगे, अरे हम सब साथ हैं। सर मुझे बहुत डाउट हो रहा है, इन लोगों की फिराक कुछ अलग ही लग रही है, कौओं के मुंह से कोयल की बोली निकल रही है सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्या दीवान जी, मतलब शर्त हारते ही आप बच्चों की तरह कानाफूसी पे उतर आए। हार चुके हैं आप शर्त, आपकी सैलरी मेरी। सर अबे अब बस बहुत हुआ, हमने फैसला कर लिया है कि आप लोग तो हमारी मदद कर नहीं रहे, इसलिए हमने तय किया कि हम अपनी मदद खुद करेंगे। तो फिर यहाँ क्यों आए? क्योंकि हम ये जहर खा के आज यहाँ पे जान दे देंगे अपनी, इसीलिए। भाई साहब, भाई साहब आपका केस सॉल्व हो गया, आपको जान देने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम सबको पता है कि आप बेगुनाह हो, आपने कुछ नहीं किया, आप सुधर गए हो, बस आपकी बीवी का यहाँ आने की देरी है और हमें उनको समझाने की देरी है। उसके बाद आप अपनी बीवी को बैंड बाजे के साथ लेके जाइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। क्या बात है करिश्मा सिंह, आपने ये केस सॉल्व भी कर लिया? हमने नहीं, नहीं सर आपने, हमने कहा केस सॉल्व किया, थाने के SHO आप, जो आपने ऑर्डर दिया हमने बस वो फॉलो किया, सब कुछ कहना आपका है, बस करना हमारा था। हीरो आप ही हैं, संतू और पुष्पा जी आपको केस का डिटेल दे देगी, यही कहना होगा ना आपको हीरो बनने के लिए आगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ इनको यही कहना था, चलिए ना जरा दो मिनट बात करनी है, आइए करेंगे तारीफ। थैंक यू। सर हम कह रहे हैं गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है दीवान जी, हम कहते थे ना ये बुरे लोग नहीं है, ये मान गए ना हमारी बात, पर आप शर्त हार गए तो आप सैलरी, अच्छा चलिए छोड़िए, आपकी सैलरी इनके मानने की खुशी में आप ही को मुबारक।
हमारा काम तो हो गया। तो फिलहाल के लिए मैंने अमर सर की दीदी का जो गोल्ड मेडल है ना, पैसा टिट्टो नकली बना के अमर सर के केबिन में ड्रॉवर में रख दिया। भगवान से प्लीज दुआ कीजिए कि उन्हें ना पता चले कि वो नकली है और हमारी पोल नहीं खुलनी चाहिए। बस ये आइडिया काम कर जाए और वो जो चोर है मेडल के साथ पकड़ा जाए। क्या हुआ है हा? जब से मैडम सर से मिलकर आई हो उखड़ी उखड़ी सी घूम रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो बात है जो कह भी नहीं पा रही और सह भी नहीं पा रही आप, और अभी तो मैडम सर की फोटो काट कर फेंक दी। हुआ क्या है हमें तो बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? पुष्पा जी, कुछ दर्द जो है ना वो बांटे नहीं जा सकते हैं, वो खुद को ही झेलने पड़ते हैं और वो सिर्फ हमारे लिए ही है। जैसे कि ये अभी कंधे का दर्द जो आपने हमें टच करके दिया है। आप अमर कहाँ है? मिस्टर अमर विद्रोही, आप लोगों ने मुझे पहचान लिया ना? कैसी बातें कर रही हैं आप, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? अरे खास लोग भुलाए थोड़ी ना जाते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। आपने बताया क्यों नहीं? आपका फ्लाइट जल्दी आने वाला है, हम एयरपोर्ट पे आ जाते हैं आपको लेके आने के लिए। आपका भाई आ गए। भी आप 2 घंटे बाद आने वाली थी ना, मुझे बता दिया था, मैं एयरपोर्ट आ जाता लेने। वो हाँ सर, हमने भी यही पूछा आपकी दीदी से कि आपने हमें बताया क्यों नहीं, हम सब लेने के लिए आ जाते आपको एयरपोर्ट पे। क्योंकि आप तो हमारी SHO अमर सर की बड़ी बहन हैं। अमर सर जो दिव्य पुरुष है, जो फरिश्ते हैं। सच में बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं आप पुष्पा जी। मतलब अमर सर आपके बारे में जितना कहा जाए ना उतना कम है। नहीं मतलब हमारे पास तो शब्द ही नहीं है आपके महानता को बयां करने के लिए। आप भी बोलिए ना। हाँ बस सही कह रहे हैं, यही तो है हमारे थाने के इकलौते इंचार्ज SHO अमर विद्रोही सर, हम सबके आइडल है ना करिश्मा मैडम? हाँ मतलब यही है जो है, हम इनके अंडर ही काम करते हैं, यही SHO। सर आप ना अफसर नहीं है सर, आपने एकदम ज्वालामुखी है। आपने एकदम आग का गोला है सर, आप ना जलजीरा है सर। जलजीरा जलाजल 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 जल जला है सर। हाँ जल जला जल जला। आपने बुलाया मैडम? जी वो अमर सर ने जो है वो केस सॉल्व कर दिया है, यही SHO अमर सर, और बाकी का विस्तार से भी आपको जानकारी अमर सर ही देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो पलक, आपको यही डर था ना कि हमेशा की तरह आपका पति अभी भी झूठ बोल रहा है, सिर्फ सुधरने का दावा कर रहा है, सुधरा नहीं है, आज भी चोर है और अपनी चोरी की आदत छोड़ नहीं सकता। तो पलक मैं आपको बता दूं, इस बार आपका शक बिल्कुल बेबुनियाद है। जी बिल्कुल, अमर सर ने ये पता किया है। आपका पति इस बार सच बोल रहा है, वो सच में सुधर चुका है और उसने ये साबित किया है हमारा एक टेस्ट पास करके। कैसा टेस्ट? हमने उसके सामने एक बहुत ही कीमती चीज रखी थी, ना केवल चीज रखी बल्कि उसे उस चीज को चुराने का पूरा वक्त और पूरा मौका भी दिया। और अगर आपके पति की जगह कोई और होता तो उस चीज को चुराने का लालच कभी नहीं छोड़ पाता। बिल्कुल, देवान जी भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन आपके पति ने उस चीज को हाथ तक नहीं लगाया, तो यही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपका पति सच में सुधर चुका है, वो सच बोल रहा है, अपनी चोरी की आदत से एकदम मुक्त हो चुका है वो। जी बिल्कुल, अमर सर ने ये पता किया है कि अब सब ठीक हो गया है। अमर सर ने ही पता किया है कि अब जो है आपके पतिदेव सही रास्ते पर आ गए। अमर सर ही है जिन्होंने। बस बस करिश्मा सिंह, इतनी बार नाम लेने की क्या जरूरत है, हम सबने मिलकर केस सॉल्व किया, इट्स अ टीम वर्क। अब लगता है हमारे विचार से जो है आपको अब मतभेद भूल के एक हो जाना चाहिए,
क्या वो अब सुधर गए हैं? आप एक उनको मौका दीजिए और अपनी जिंदगी का जो है वो नया शुरुआत कीजिए। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि सुधीर सुधर गया है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है, पर अब मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकती। मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। का? पर काहे? मतलब अब तो सब सही हो गया ना, तो फिर का समस्या है? पर ये सब ठीक होने के बीच में बहुत कुछ बदल भी गया है मैडम। मतलब? मतलब ये कि सुधीर से पूरी तरह नाउम्मीद होने के बाद मुझे मेरा पूरा फ्यूचर अंधेरे में नजर आ रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कभी कोई नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी, मेरी लाइफ में कभी कोई स्टेबिलिटी आएगी। मैं खुद को बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। और फिर मेरी मुलाकात रोहित से हुई। रोहित से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, मैं भी खुश रह सकती हूँ। और अब मैं और रोहित दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर सच कहूँ तो मैं अब बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। रोहित वो इंसान है जिसने मेरा तब साथ दिया जब मेरा खुद का पति मुझे बेसहारा छोड़कर जेल की हवा खा रहा था। और अब सुधीर, उसने मेरे लिए अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए। वो सुधर गया सिर्फ मेरे लिए, तो मैं उसे भी कैसे छोड़ सकती हूँ जिसने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। एक्चुअली मैं उन दोनों को ही बहुत प्यार करती हूँ। सच कहूँ तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उन दोनों में से किसे चूज करूँ। सॉरी, इंटरेस्टिंग। तो अब मिस्टर अमर विद्रोही, ये देखना दिलचस्प होगा कि आप इस केस को कैसे हैंडल करेंगे। यू नो व्हाट, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं यहीं रहूंगी और देखूंगी कि तुम इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो। वाह दीदी, बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। इस केस का रिजल्ट ही डिसाइड करेगा कि तू वाकई में बड़ा होगा या अब भी औरतों के पीछे ही। गुड लक ब्रो। यार कितना ढूंढे यार, कितना ढूंढे। बिस्कुट का टेम्पू है कि भूस के ढेर में सुई, जो मिल ही नहीं रहा है। कुनीड़ा बिस्कुट, कुनीड़ा बिस्कुट की हुई है ना। एक एक रुक गया बाबू, बहुत होशियारी कर लिए, बहुत बच लिए तुम। का नाम है तुम्हारा? रम। रम? इसके तो नाम ही गफला है। मतलब तुम्हारा नाम रम, तो पिताजी का नाम क्या उड़का? अरे नहीं सर, दत्त है। बोलते समय पहला अक्षर खा जाता हूँ, इसे मेरे नाम से आगे वी खा गया। विक्रम, विक्रम नाम है तुम्हारा? हाँ वही 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 वही। मतलब पहला अक्षर खाने का आदत है। पर साहब ये तो बताइए कि मैंने किया क्या है? थाना के सामने आया था ना टेम्पू लेकर बिस्किट डिलीवर करने, वहीं बेंच पर मेडल पड़ा हुआ था, उस पर हाथ साफ करके तुम गायब हो गया, उसी चक्कर में तुम गिरफ्तार करने आया। चल बाबू थाना चल। You are under arrest in Baloo the spy. अरे अरे पर साहब मैं उस दिन पों से उतरा ही नहीं था। ओ टेम्पो से? पो पो टेम्पो से? मेरा पर उतरा था। हेल्पर? हेल्पर क्या? क्रिश, क्रिश, क्रिश उतरा था। क्रिश, क्रिश, हरीश, हाँ, हरीश, यस। कहाँ है तुम्हारा हेल्पर हरीश? पता है। वही तो मांग रहे हैं, पता है तो दो ना, कहाँ पता है उसका? ला पता है, इसका हरीश हेल्पर ला पता है ना? हाँ वही वही वही। ये नहीं चोरी कर सकते, देखो कैसे हकलाते हैं, ये तो पैदल है, चोरी कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं चोरी। हाँ ठीक है ठीक है, सुनो, जब तक पुलिस तुमको परमिशन ना दे, शहर को छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाहर गए तो तुम फरार माने जाओगे। फोन नंबर हो तुम्हारा? मेरा कार्ड है। दो ये लो। हाँ जाओ फटाक से निकलो, जाओ। चलो कोड़े खाते हैं, पकोड़े खाते हैं। ये ये कौन है? अरे पकड़ इनको। अरे रुक 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 भाई। अरे बस साला, हमारी पलक की तरफ पलक उठा के भी देखा ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। नहीं नहीं, पलक हमारी है, सिर्फ हमारी। अबे जा, अनुराग कश्यप की फिल्मों का विलन जैसा हीरो। अबे तेरा मुंह और मसूर की दाल, साले शक्ल देख जाके आईने में। इतना मारूंगा ना आज तो तू गया। अबे मरेगा तो तू, तेरी जान तो मैं लूंगा। अरे चीते कुछ कर, चीते। रुक ना यार, रुक एक मिनट, रुक एक मिनट। पत्थर मिल जाए एक बार बस। पत्थर? ये क्या पत्थर? हेलो,
हेलो हेलो करिश्मा मैडम, यहाँ पर पलक का आशिक और पलक का पति सुधीर एकदम खूंखार जानवर हो गया है सब। दोनों ऐसा लड़ रहा है सब, दोनों दूसरे का जान लेने पर तुला हुआ है सब।